नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पटना एम्स में कोविड 19 वैक्सीन के ट्रायल का एक महीना हुआ पूरा। बिहार की राजधानी पटना के एम्स में कोविड 19 वैक्सीन का ट्रायल का एक महीना पूरा हो गया है। पहले चरण में जिन लोगों पर ट्रायल हुआ है वो पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे हैं, यानी उन पर अभी तक कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है। इस तरह वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित नजर आ रहा है, लेकिन कोविड 19 से मुकाबला करने में कितना असरदार है इसका विश्लेषण होने के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें, पटना एम्स में पहले दो और उसके बाद एंटीबॉडी जांच के लिए ICMR भेजा गया था, जिसके बाद देश भर में सबसे पहले पटना एम्स में 15 जुलाई को वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ था। कोविड 19 से निजात दिलाने के लिए देश भर में अस्पताल समिति पटना एम्स ने जिन लोगों पर ट्रायल चल रहा है उनका पहला चरण अगस्त महीने के अंत तक पूरा होगा। मिली जानकारी के अनुसार संतोषजनक रिपोर्ट होने के बाद ही उनके दूसरे चरण का ट्रायल शुरू किया जाएगा। बिहार सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन। 16 अगस्त को खत्म हुए लॉकडाउन की अवधि को बिहार सरकार ने अब 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से साझा की गई है, जिसके तहत साफ तौर पर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लोगों को इस बार थोड़ी और छूट दी जाएगी। इसके साथ ही गृह विभाग ने केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 3 के लिए लगाए गए गाइडलाइन का पालन बिहार में करवाने की अनुमति दे दी है। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इस दौरान पहले की तरह ही लगाए गए रोक का पालन किया जाएगा। द माउंटेन मैन नाम से मशहूर दशरथ मांझी की आज है पुण्यतिथि। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। आपको बता दें, 17 अगस्त 2007 का ही वो दिन था जिस दिन उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बिहार के गया के करीब गहलोर गाँव में दशरथ मांझी एक मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी से उन्होंने अकेले 360 फुट लंबे, 38 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दी थी। 22 वर्ष परिश्रम के बाद दशरथ की बनाई गई सड़क ने अपनी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक कमा दिया था, जिसके बाद यह कारण है कि उन्हें पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्धि मिली थी। इतना ही नहीं, पहाड़ को काटने के लिए उनका नाम पर्वत पुरुष भी रखा गया था। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री तो फिर उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। फिर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के नाम पर गहलोर में 3 किलोमीटर पक्की सड़क का और गहलोर गाँव में उनके नाम पर एक अस्पताल के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही दशरथ मांझी के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। बिहार में 9 नदियां लाल निशान के ऊपर। बिहार की 9 नदियां फिलहाल लाल निशान के ऊपर बह रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में तेजी से बाढ़ ने अब तक कई जिलों को चपेट में ले रखा है, जहां पर 81,44,356 लोग बुरी तरीके से प्रभावित है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से नदियों के दैनिक जल स्तर और बाढ़ पूर्वानुमान के जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में बागमती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बूढ़ी गंडक 3, घाघरा और कोसी 2-2 और पुनपुन गंडक, अधवारा, महानंदा और परमान नदी का जल स्तर 1-1 स्थान पर लाल निशान के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ब्रिज में 10 सेंटीमीटर, मुजफ्फरपुर जिले के सैदपुर में 87 सेंटीमीटर, बेनीबाद में 1000 सेंटीमीटर और लगभग हायाघाट में 180 सेंटीमीटर और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर सिकंदरपुर में 18 सेंटीमीटर, समस्तीपुर में 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। हालांकि लगातार नदियों के लाल निशान के ऊपर बहने के वजह से बाढ़ की संभावना एक बार फिर से बढ़ गई है। शाम रजक को दी जाने वाली जदयू की तरफ से सुविधाएं ली गई वापस। पार्टी का इस्तीफा सौंपने से पहले जदयू की तरफ से निकाले गए शाम रजक को पार्टी ने अपनी तरफ से ही दी जाने वाली सुविधाओं को वापस ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू ने ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने के कारण नाराज चल रहे मंत्री शाम रजक ने रविवार को बड़ा निर्णय लेने की बात पहले ही कही थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनका मंत्री पद भी उनसे ले लिया गया है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनको मिलने वाली सुविधाएं भी वापस चली गई है, जिसके परिणाम स्वरूप श्याम रजक के आवास में उनके मंत्री वाले बोर्ड को ढक दिया गया है। साथ ही बिहार सरकार की तरफ से दी गई मंत्रालय की गाड़ियों को भी वापस ले लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आध्यात्मिक गुरु ने किया खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हर दिन सामने आ रही है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर आध्यात्मिक गुरु ने भी बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत आध्यात्मिक गुरु महेश सदाशिव जोशी ने हाल ही में मीडिया हाउस से बातचीत करने के दौरान उन्होंने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें रिया चक्रवर्ती ने गूगल पर ढूंढा, उसके बाद उन्हें संपर्क किया था। मैं सुशांत सिंह राजपूत से 22 सितंबर को मिला था, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और 23 नवंबर को मैं उनसे दोबारा, उस समय सुशांत बेहतर लग रहे थे। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में उन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से बुलाए जाने की भी बात कही है, लेकिन कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण वो पुलिस स्टेशन नहीं जा पाए हैं। सेवा शर्त को तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए बिहार सरकार ने भेजा केंद्र सरकार के पास। करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को आज अगली कैबिनेट में पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। सूत्रों की माने तो कई सालों से लंबित सेवा शर्त का संशोधित ड्राफ्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल सचिव को भेज दिया गया है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचित
घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद भी 15 अगस्त को गांधी मैदान से सेवा शर्त को लेकर घोषणा की थी। हालांकि ठीक 5 साल पहले 11 अगस्त 2015 को ही सेवा शर्त को लेकर एक पत्र जारी किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब नियोजित शिक्षकों को अब 5 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। उसके बाद संशोधित सेवा शर्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, उसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भी भेज दिया गया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद श्याम रजक ने थामा राजद का हाथ। पार्टी से तुरंत निकाले जाने के बाद उद्योग मंत्री श्याम रजक ने राजद का हाथ थाम लिया है। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस मौके पर श्याम रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ अफसरों की सुनते हैं, पार्टी के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि खुद को बेवकूफ महसूस करते हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। मैंने 2 अप्रैल को दलित प्रभावितों को लेकर के उनको हो रही परेशानी के खिलाफ विधानसभा में वेल में आकर विरोध किया था, तभी से मैं उन लोगों को खटकने लगा था। वही सोच रहे थे कि दलित की बात करने वाला कैसे आगे बढ़ रहा है। मैंने नीतीश कुमार के साथ रहकर 10 साल बर्बाद किए हैं। आप सामाजिक न्याय की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू ने बीते शाम श्याम रजक को इस्तीफे देने से पहले ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था। वहीं पार्टी की सदस्यता दिलवाने वाले तेजस्वी यादव ने कहा कि श्याम जी अपने पुराने और असली घर में आए हैं, इसकी हम सब लोगों को बेहद खुशी है। जो भी हो, यह डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से सरकार चला रही है, उस जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया है। बिहार में मखाने को अब विश्व भर में किया जाएगा निर्यात। केंद्र सरकार ने मखाने की ब्रांडिंग के साथ निर्यात की घोषणा कर दी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने इससे कृषि उत्पाद की GI टैगिंग की पहल शुरू कर दी है। टैग मिल गया है तो विश्व में अब कोई भी कहीं भी मार्केटिंग करेगा, उसे बिहार के नाम से मखाना बेचना होगा। दूसरे किसी भी देश और राज्यों का दावा इस कृषि उत्पाद पर नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही राज्य में मखाना उत्पादकों को नया बाजार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, खेती में बढ़ावा भी देखा जाएगा। आपको बता दें, GI टैग वाला मखाना 5वां कृषि उत्पाद होगा जो कि इस श्रेणी में आएगा। इससे पहले कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और पान को GI टैग मिल चुका है। इसके साथ ही 3 साल के प्रयासों के बाद कृषि सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने पहले की किसानों की संस्थान का निबंधन करवाया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने भी इस प्रक्रिया पर पूरी जानकारी दी और जल्द ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। लोजपा सांसद चंदन सिंह ने गिरिराज सिंह को लिया निशाने पर। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। दल के अंदर खाने में ही अलग अलग विचारधारा होने के कारण अनबन की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। वहीं लोजपा और राजग के बीच में लगातार तनातनी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में लोजपा के सांसद चंदन सिंह ने मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा है। नवादा के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नवादा के एक एक लोग जानते हैं कि आपने कितना काम किया है। विकास के काम पर आपने नाम गिनाने का काम नहीं किया है, क्योंकि पिछले 5 साल में आपने नवादा में रोड को बनवाने का काम नहीं किया है। आज मेरे काम को आप अपना नाम दे रहे हैं और अपने नाम पर गिनवा रहे हैं, इसमें गिरिराज सिंह का कोई योगदान नहीं है। नाम ही लेना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लीजिए, क्योंकि उनके प्रयासों से नवादा में विकास की रफ्तार तेज हुई है। क्रिकेट में KL राहुल को धोनी का उत्तराधिकारी बनाने की दी गई सलाह। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद उनके उत्तराधिकारी पर विचार विमर्श लगातार जारी है। इसी को लेकर 3 पूर्व क्रिकेटरों ने KL राहुल के पक्ष में बयान दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नयन मोंगिया, दीप दासगुप्ता और MSK प्रसाद ने KL राहुल के नाम की सिफारिश की है। MSK प्रसाद भारतीय टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता भी रह चुके हैं। इन तीनों ही खिलाड़ियों का मानना है कि KL राहुल को विकेट के पीछे जब भी मौका मिला है, उन्होंने खराब कीपिंग नहीं की है। इसके अलावा वो बल्ले से भी टीम के लिए काफी उपयोगी है। जानकारों की माने तो इनके आधार पर KL राहुल को इन तीनों विकेटकीपर ने अपनी पहली पसंद बताया है। इन खिलाड़ियों का यह भी मानना है कि T20 फॉर्मेट में KL राहुल और ऋषभ पंत दोनों की जगह दी जा सकती है, लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट पे KL राहुल से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें विकेट कीपिंग के साथ साथ नंबर 5 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी संभालनी है। COVID-19 की वजह से भारत में जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 50,000 के बाद। भारत में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 57,982 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में 941 मरीजों की जान चली गई है। इसके साथ ही COVID-19 से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक संक्रमितों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 26,47,664 लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 50,921 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 6,76,000 मामलों का इलाज चल रहा है और 19,19,000 लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका मुख्य रूप से एक लेखिका है जिन्होंने 17 अगस्त 1961 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लिया था। उनका अपने जीवन काल में 8 कविताओं का वर्णन भी किया है, साथ ही 5 नॉवेल भी लिखे हैं। वर्तमान समय में वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सत्यवती कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की रीडर के तौर पर काम कर रही हैं। अनामिका के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बिहार में जन्मी अनामिका को शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पिता भी एक लेखक थे और यही कारण है कि उनकी रुचि भी लेखन में ज्यादा थी। उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अनामिका ने अपने पूरे जीवन काल में 10 द्वारे के पिंजरे, तिनका तिनका पास, बिलू शेक्सपियर जैसी कई किताबें लिखी है। राजद से निकाले गए 3 विधायकों ने थामा जदयू का हाथ। अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने से परेशान होकर
राजद ने बीते दिन तीन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद यह तीनों विधायक आज जदयू का दामन थाम चुके हैं। जदयू ने राजद के तीन मौजूदा विधायकों को अपना पार्टी में स्वागत किया है। हालांकि रविवार को ही राजद ने इन तीनों विधायकों को अपने दल से निकाल दिया था। जो तीन विधायक सोमवार को जदयू का हिस्सा बन चुके हैं, आपको बता दें जिन विधायकों को बाहर का रास्ता निकाला गया है उसमें मुजफ्फरपुर के गायघाट के विधायक महेश्वर यादव, वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमा चौधरी और पूर्व सांसद अरशद अली फातमी के बेटे फराज फातमी का नाम शामिल है। फराज दरभंगा जिले के राजद के टिकट पर साल 2015 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजद के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इन तीनों विधायकों को सदस्यता दिलवाई है। पटना जंक्शन पर लगाई गई मशीन, कोविड-19 से बचाव के लिए रेलवे की तरफ से लगातार सुविधाएं की जा रही है। स्टेशन पर वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर पटना जंक्शन पर एक और ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें पैसे डालकर यात्री टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, सर्फ, शैम्पू आदि खरीद सकते हैं। इससे पहले मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और सफर में इस्तेमाल के लिए तकिया, कंबल और टॉयलेट शीट जैसे कई सारे सामान अलग अलग ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। दानापुर मंडल के PRO पृथ्वीराज ने बताया है कि यात्रियों को ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से डिजिटल पेमेंट के माध्यम से और प्रोडक्ट की कीमत के अनुसार आइटम का कोड दबाना होगा। इसका शुभारंभ स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश कुमार ने किया। बटन दबाते ही आपका संबंधित आइटम उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार KL राहुल और ऋषभ पंत में से किसे महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।